हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि हमको समाज के भीतर शांति बना करके रखनी है, भाईचारा कायम रखना है। तमाम हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच में एकता रखनी है और हमको एकजुट होकर के जो हमारी समस्याएं हैं उनसे हमको निजात पाना है, उसका निदान ढूंढना है। हम आपसे यही बार बार कह रहे हैं कि ये वक्त है बदलाव का और हमको बदलाव करना चाहिए। इस क्षेत्र के लोगों की जो स्थिति है उसमें, जो परेशानी से जूझ रहे हैं उसमें, इसीलिए मैं आप सब से एक नारा लगाऊंगा, आप हमारे उस नारे के साथ अपना समर्थन दीजिएगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे। साथियों, चाहे लाख कोशिश करें वो हमको गुमराह करने की, हमको लड़ाने की, हमारे मुद्दे से हमको भटकाने की, लेकिन हम तमाम लोगों को, जो लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, हमको एकजुट रहना है। जब जाम की समस्या होती है उससे हर किसी को परेशानी उठानी पड़ती है, जब पानी की कमी होती है, जब ड्रेनेज का प्रॉब्लम होता है, तो हम सबको ये परेशानी उठानी पड़ती है। इसीलिए हम सबको एकजुट होकर के जो हमारे इलाके की समस्या है, हमको उन समस्याओं से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है, एकजुट रहना है। इस देश की ताकत एकता में है, इसलिए हम लोगों को एकजुट रहना है। बोलिए, रहेंगे, रहना है ना? तो फिर से मैं कहता हूँ, आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे। और देश में जो तानाशाही थोपी जा रही है, उस तानाशाही के खिलाफ हमको लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करना है। बोलिए, करेंगे ना? तो तानाशाही का जवाब, तानाशाही का जवाब, तानाशाही का जवाब, नफरत का जवाब, बेरोजगारी की जवाब, महंगाई की जवाब, झूठ का जवाब, जुमले की जवाब, और आखिर में सबसे जरूरी, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। तो आवाज दो, आवाज दो। साथियों, आप सबका इस बेपनाह मोहब्बत के लिए, आपकी एकता के लिए, जिस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता ने, यमुना किनारे रहने वाले लोगों ने इस कन्हैया को, यहाँ की हमारी आदरणीय माताओं ने जिस तरीके से अपने आंचल से हमारा पसीना पोछा है, जिस तरीके से यहाँ के बुजुर्गों ने सर ठोक करके आशीर्वाद दिया है, जिस तरीके से यहाँ के जवानों ने हाथ में हाथ मिला करके कहा है कि भैया, उत्तर पूर्वी दिल्ली के मान सम्मान के लिए इस लड़ाई में हम आपके साथ रहेंगे, मैं यमुना किनारे रहने वाले अपने सभी नागरिकों और माताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस सूचना के साथ कुछ ही मिनटों में आदरणीय मुख्यमंत्री आपके बीच होंगे। कई घंटों से आप इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा और इंतजार कीजिए। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। एक बार पुनः हमारी तीनों पार्षद, एक और पार्षद साहब दिखाई दे रहे थे, बाबरपुर वाले, किधर है?
ऊपर है, सब आए हुए हैं, हमारे सभी पार्षदों का, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे आदरणीय विधायक भी दिख रहे हैं, सभी विधायकों का, आप तमाम नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी ही देर में आदरणीय केजरीवाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री आपके बीच में पधार रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।